बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आपके दोस्तों तक और आप तक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, और बहुत ही स्वागत है मेरे आज के एक नई वीडियो में। और आज है संडे, तो आज भी हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन मॉर्निंग का कुछ अलग ही नज़ारा होता है, जो कि बाहर बहुत ही ठंड है और काफ़ी ठंडी हो रही है हर जगह पे, लेकिन उतनी भी ठंडी नहीं है भाई। दोपहर को तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है। हमारी सुबह एक और खास होने वाली है, वो क्या, क्योंकि देखो बाकी ये होता है कि सुबह सुबह उठते ना, संडे को हम कुछ स्पेशल मांगते थे घर पे, अरे यार मम्मी कुछ तो बनाओ यार अच्छी चीज़ें, लेकिन आज ये टाइम है कि आज हम घर से बाहर है अपने, तो हम वो चीज़ तो फरमाइश कर नहीं सकते, तो हम खुद को ही फरमाइश देते हैं। तो आज जो है कि हमारे स्पेशल है संडे को पराठा, आलू पराठा, ओ एकदम पराठा, और जो कि छोला है। तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, अब बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बाकी पूरा वीडियो देखते रहो। तो हम निकल चुके हैं दमन की तरफ, और मंजिल जो है कि काफी अचानक होने वाला है, काफी तूफानी होने वाली है, और यही रूपांचक हमको चाहिए थी। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, ये जो बिलाड का रास्ता है, ये मार्बल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आप पूरे ही मार्बल से बड़े बड़े फैक्ट्री देखेंगे, जो कि लग्जरीज मार्बल होते हैं, आप देख सकते हैं। मेरे सामने ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ से शुरू हुआ है, तो बस देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों रास्ते में हम जा रहे थे, तभी मुझे एक तालाब दिखी, और काफ़ी खूबसूरत है वो तालाब, उसके अंदर बहुत ही रेड एंड वाइट कलर के जो है कि लोटस हो गए हैं, और इतनी खूबसूरत है, उसके अंदर मछलियाँ भी हैं, तो मैं उनको देख के ना रोक नहीं पाया, बोला गाड़ी रोक और उसके थोड़ा पिक्चर लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे मेरे गाँव में होते थे और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। हम भी सोचे कि यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट तो किया जाए, लोकेशन तो वाओ। तो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, और इस जगह का नाम है नानी दमन, और अब इस जगह की ब्यूटी दिखने वाली है आपको, और मैं सब कुछ दिखाऊंगा इस जगह की, बहुत ही खूबसूरत जगह। वाह, संडे हो तो मेरी ऐसी बीते यार, घूमते फिरते, और तो काफी खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। खूब तो हम बीच के पास आ गए हैं, और बहुत ही मजा आ रहा है भाई, बीच देख के ना एकदम आधुनिक मुंबई वाली फील आ रही है। मैं मुंबई छोड़ के दमन में आया हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत पीस है, क्योंकि मुंबई में इतनी ट्रैफिक थी, और मैं ट्रैफिक छोड़ के एकदम सुकून लेने आया हूँ। और सुकून देखोगे आप, हाँ सुकून दिखाऊं, ये देखिए काफी शांत है, और लोग मजे से मस्त आ रहे घूम रहे हैं, और लोकेशन तो काफ़ी बढ़िया है। अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, और कुछ दिन में काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो काफ़ी सुकून है ये जगह पे, और मैं इसीलिए दमन में रहना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे यही काफ़ी सुकून है, और कोई भीड़ भाड़ नहीं है कि आप जल्दी उठो, जॉब के लिए दो घंटे पहले निकलो, कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा है। और हम संडे के दिन ऐसे घूमने निकल आते हैं बीचेस पे, और काफ़ी अच्छे है, आप देखिए नज़ारा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी बहुत काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। तो गाइज यहाँ पे रेनोवेशन का काम चालू है काफ़ी तेज़ी से, और
कुछ ही सालों में ये काफ़ी अच्छा और दिखने लगेगा। जब भी मैं एक बार आया था तो काफ़ी हरा भरा था, लेकिन यहाँ पे काम चालू ही रहता है। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या है। और ये दमन में जो है कि अभी फिलहाल में ही ओपन हुआ है और ये काफ़ी फेमस है इस जगह के लिए। यहाँ पे तरह तरह के पंछियाँ हैं यहाँ पे, ये यहाँ से एंट्री है और ये हाल ही में नया बना है। और हम यहाँ से टिकट लेंगे। अरे जल्दी ही भीड़ है यहाँ पे देखने के लिए क्योंकि हाल ही में ओपन हुआ है। इस बीच पे काफी भीड़ है और भीड़ और खूबसूरती दोनों ही चीज है। चारों तरफ काफी घोड़े और ऊंट हैं। ये नहीं और यहाँ पे 50 रुपीज तो नहीं मानेंगे, ये 100 रुपीज पर पर्सन। दोस्त को पसंद आया व्हाइट वाली घोड़ी, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं आप नंबर वाइज है, और वो कह रहा है आपको ये लेके ऊपर बैठेगा, घोड़ा कम गधा ज्यादा लग रहा है। उसने कहा भाई मैं नहीं लूंगा ये राइड, अगर जो जब जो मुझे पसंद हो नहीं मिलेगी तो मैं क्यों बैठू उसके ऊपर। तो काफी निराश हो गया है बंदा। ओहो तो ठीक है, हम ऐसे इंजॉय। तो ये है यहाँ पे मोटर राइडिंग, इसके भी 100 रुपीज पर फीस है, तो हम तो अभी इंजॉय करेंगे ऐसे ही। तो भैया ऐसा राइड लेने का, और ये राइड लेने के बाद ना काफी इंजॉयमेंट आता है, पता है क्यों? देखो आप सुन पा रहे हो, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई इनको ये जो राइड है ना पसंद नहीं आ रहा है। तो हम पहुंच गए दोस्तों शिव जी के मंदिर, और काफी बड़ा शिव इनका जो है कि स्टैचू है यहाँ पे, और हम जो है कि यहाँ पे कुछ तस्वीरें लेंगे क्योंकि हम हैं शिव के भक्त, और यहाँ पे निकालेंगे कुछ फोटोज और वीडियो। तो काफी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, अभी हम भी निकाल। मेरा और शिव का नाता, काफी अच्छा नजारा है, और अपना तो सपना ही है पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, और धूप भी काफी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो इतना सह लेंगे, ठंड का तो कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। काफी बड़ा है, काफी बड़ा, कम से कम तो अंदाजा तो नहीं है, लेकिन मैं क्या गलत बोलूँ, लेकिन काफी बड़ा है वो। और हम चलते हैं छोटे शिव मंदिर के पास, वो काफी बड़ी है। समझेगा ना शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। ये कुछ गोवा जैसी फील देती है, ये गोवा नहीं है, ये हमारा दमन ही है, तो इसको गोवा के जैसा लुक दिया गया है, और काफी भीड़ है फोटो खिंचाने के लिए, तो हम भी फोटो खिंचाएंगे इस जगह पे। भाई काफी क्रेज है फोटो खिंचाने के लोगों को, तो हम तो फोटो खींच ही रहे, तो दूसरे का भी काफी क्रेज है यहाँ। जगह तो काफ़ी खूबसूरत है और लोग बहुत दूर दूर से घूमने आए हैं, और फोटो खिंचाने का तो सबसे बड़ा क्रेज है यहाँ पे, फोटो ही खींचना भाई। तो हम भी तो फोटो बहुत खींचे हैं, और मेरा दोस्त भी फोटो खिंचा रहा है, और जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं वो एक चर्च है, वो अभी ओपन है, और काफ़ी पुराना चर्च है यहाँ दमन का। दोस्तों जहाँ पे नेचर हो, और नेचर से मुझे बहुत लगाव है, तो ये जो जगह है काफ़ी हरा भरा है, और हरे भरे भर से और हरे भरे जगह से तो मुझे बहुत ही प्यार है। और हम तो जो है कि अलोन ही ट्रैवल पसंद करते हैं, और संग में अगर जो दोस्त हो तो काफ़ी और बड़ा इन्जॉयमेंट आ जाता है। तो हम तो घूम रहे हैं और बहुत मज़ा है, खूबसूरत है, और आप बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बस मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो में लाते रहूँगा। और बस अगर जो आपको भी आना रहे इस जगह पे, तो ये जगह है दमन दीव, जो कि ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और काफ़ी खूबसूरत है और पॉपुलर जगह है ये, और बहुत ही खूब शानदार जगह, और आई लव नेचर यार, और हरी भरी जगह और हरा भरा दस्ताना, खूबसूरत नज़ारा, ब्यूटी, यही तो मेरे दिल का ख्याल है भाई।
और ऐसे ही जगह मैं देखता रहता हूँ। और ये जो है यहाँ का चर्च है और काफ़ी पॉपुलर है, दमन का चर्च बहुत पुराना है चल रहा है और सेम लोकेशन जो है कि आपका गोवा जैसा फील देगा। इस जगह से निकल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आया इस जगह पे, और हमारे जो मोबाइल के स्टोरेज है वो तो फुल होते जा रहे हैं फोटो और वीडियोस से, तो स्टोरेज का तो डर नहीं है, डर ये है कि धूप बहुत तगड़ी हो रही है, धूप ही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। ये संडे तो काफ़ी मज़ेदार रहा, और अगले ब्लॉग के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।